हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट थर्ड। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। यहां यूजीसी नेट कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्विजेज आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में दिया हुआ है और लिस्ट टू में दिया है कि कौन से ईयर में ये एस्टैब्लिश किए गए थे। सबसे पहला है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है MCXSX, इसका फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फोर्थ है ISEI यानी कि इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये चार यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस दिए गए हैं। सबसे पहला है NSE। NSE इस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1992, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है MCXSX, ये इस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2008। थर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1875। और फोर्थ है इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1998। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है द RBI एक्ट 1934 ओनली। दूसरा है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ओनली। थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ओनली या ऑल दी अबव। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल दी अबव। ये तीनों के द्वारा ही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स हैं इन्हें रेगुलेट किया जाता है। RBI एक्ट है 1934। RBI क्या करता है, सुपरवाइज करता है बैंक्स को और लाइसेंस देता है। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो जितनी भी बैंकिंग फर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो 2008 के अमेंडमेंट के बाद IT एक्ट 2000 जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और साइबर क्राइम है इन्हें रेगुलेट करता है। तो इसलिए ये तीनों ही एक्ट जो हैं वो बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं। तो हमारा आंसर ऑल द अबव होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज इन इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है SEBI, थर्ड है AMFI और फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज इंडिया में है SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में सिक्योरिटीज और कमोडिटी के जो मार्केट हैं उसको रेगुलेट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 में और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई थी 30 जनवरी 1992 में SEBI एक्ट 1992 बना करके। तो SEBI एक्ट है 1992, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। SEBI के नदन, ईस्टर्न, सदन और वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। SEBI कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू है और ये अथॉरिटी इसको मिलती है कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के थ्रू। इसके चेयरमैन हैं मिस्टर अजय त्यागी। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, इसमें मेंबर्स इसे मैनेज करते हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। दो और मेंबर्स होते हैं जो कि ऑफिसर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के। एक मेंबर RBI का होता है और रिमेनिंग 5 मेंबर्स ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, जिसमें से कम 3 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि होल टाइम मेंबर्स होते हैं। SEBI के जो फंक्शंस हैं उसे एफिशिएंटली पूरा करने के लिए कुछ पावर्स दी गई हैं इसे, जैसे कि बाय लॉज सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिलेटेड जो होंगे उन्हें अप्रूव करता है SEBI। सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को बाय लॉज को अमेंड करने के लिए भी कह सकता है। इसके अलावा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या पीरियोडिकल रिटर्न्स हैं सिक्योरिटी एक्सचेंजेस की इन्हें इंस्पेक्ट करता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज को ये कंपेल कर सकता है
उन पे जोर डाल सकता है कि वो अपने आप को किसी एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करें, अपने शेयर्स को लिस्ट करें, और ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन भी सेबी करता है। दूसरा हमने देखा था AMFI, जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो कि म्यूचुअल फंड सेक्टर्स को देखती है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 अगस्त 1995 में। इसका मेन एम है म्यूचुअल फंड्स मार्केट के लिए बेटर एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाना। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है मिस्टर नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ RBI। दो नाम दिए गए हैं, पहला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा RBI का सब्सिडियरी नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली वन, ओनली सेकेंड, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर वन नॉर टू। इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। पहला है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक स्पेशलाइज डिवीज़न है RBI की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978 में अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961। जो इसका मेन पर्पस था वो था डिपॉजिट्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और क्रेडिट फैसिलिटीज देना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। DICGC में सभी तरीके के बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर किया जा सकता है, चाहे सेविंग हो, फिक्स्ड हो, करंट हो या रेकरिंग हो, और इसकी लिमिट है अप टू ₹5 लाख। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक स्पेशलाइज डिवीज़न है RBI की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये इंडियन बैंक नोट्स और कॉइन्स को बनाती है। ये फॉर्म हुई थी 3 फरवरी 1995 में। ये इंडियन और ग्लोबल मार्केट दोनों में काम करती है। ये बैंक नोट्स को डिज़ाइन करना, प्रिंट करना और सप्लाई करने का काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक नोट्स रिक्वायरमेंट का मेजर प्रपोर्शन पूरा करती है और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरा करती है थ्रू सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे पूछा गया था कि इन दोनों में से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों में से RBI की सब्सिडियरी कौन सी नहीं है। तो दोनों ही RBI की सब्सिडियरीज हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिनांस कंपनी। इनमें से फिनांस कंपनी कौन सी नहीं है। पहला है हायर परचेज फिनांस कंपनी, दूसरी है IRDA, थर्ड है म्यूचुअल बेनिफिट फिनांस कंपनी और फोर्थ है लोन कंपनीज। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, IRDA ये कोई फिनांस कंपनी नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इंडिया में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट और डेवलप करने का काम करती है। ये बनाई गई थी अप्रैल 19, 2000 में। IRDA एक्ट है 1999। जो मेन पर्पस है एस्टैब्लिशमेंट करने का IRDA का, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, प्रमोट करना और उसकी ग्रोथ करना और इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको कैटर करना। IRDA अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में और 15 अगस्त 2000 से जो इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट ओनर्स हैं उनको लाइसेंस देना स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स हैं IRDA का, पॉलिसी होल्डर की प्रोटेक्शन करना और इंश्योरेंस सेक्टर की हेल्दी ग्रोथ करना। इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खूंटिया और हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। IRDA की ड्यूटीज, पावर और फंक्शंस सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999 में दिए गए हैं। जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया में उसको रेगुलेट करना, प्रमोट करना और उनकी ग्रोथ करना, इसकी अथॉरिटी IRDA के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लोन विल बी NPA। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट
और लोन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. दूसरा है अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट. थर्ड है बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज या ऑल द अबव. सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने लोन्स और एडवांसेस को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई करती हैं. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इन दोनों का पेमेंट बहुत लंबे समय से जब बोरोवर के द्वारा नहीं किया गया होता है तो इसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कोई लोन तब बनता है जब 90 दिन या उससे ज़्यादा तक के लिए जो अमाउंट है वो ड्यू रहता है. कब कब हम कहेंगे कि लोन NPA है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. अगर इंटरेस्ट या लोन का इंस्टॉलमेंट 90 दिन से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू है तो इसे हम NPA कहेंगे. दूसरा, अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है 90 दिन से ज़्यादा कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के केस में तो इसे भी हम NPA कहेंगे. और अगर कोई बिल है जो कि ओवरड्यू है 90 दिन से ज़्यादा के लिए तो इसे भी हम NPA कहते हैं. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो दो हार्वेस्ट सीजन्स के लिए अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट है वो ओवरड्यू है तो इसे हम NPA की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड 2.5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो यहाँ तीनों ही जो सिचुएशंस हैं ये NPA से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में आपको कमिटीज दी गई हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, और लिस्ट टू में दिया गया है कि इस कमिटी की क्या रिकमेंडेशंस थी. पहला है नरसिम्हम कमिटी, दूसरा है शेट्टी कमिटी, थर्ड है घोष कमिटी और फोर्थ है जानकी रमन कमिटी. सबसे पहली है नरसिम्हम कमिटी, ये रिलेटेड है फिनेंशियल सिस्टम इन इंडिया से. दूसरी है शेट्टी कमिटी, ये रिलेटेड है लेंडिंग अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट्स. थर्ड है घोष कमिटी, ये रिलेटेड है फ्रॉड एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स. और फोर्थ है जानकी रमन कमिटी, ये एसोसिएटेड है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. यानी फोर्थ का आपका ऑप्शन थर्ड होगा, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा. यहाँ कंसोर्टियम अरेंजमेंट का मतलब है कई सारे बैंक्स को मिला करके एक बैंक को बनाना ताकि किसी बड़े प्रोजेक्ट को फंड किया जा सके जो कोई एक बैंक अकेले नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में कंसोर्टियम अरेंजमेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स. पहला है कमर्शियल बैंक्स, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है फॉरेन बैंक्स और फोर्थ है RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1, 2, 3 एंड 4. कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और RRBs पहले से ही RBI के अंडर में थे जिन्हें वो रेगुलेट करती थी, और अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी RBI की रेगुलेशन में कर दिया गया है. तो चारों ही बैंक्स का रेगुलेशन और इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम RBI करती है. कमर्शियल बैंक्स पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु आर द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनिटरी एंड फिस्कल मैटर्स. पहला है नबार्ड, दूसरा है SBI, थर्ड है RBI या फिर नन ऑफ दीज. तो गवर्नमेंट को मॉनिटरी और टैक्सेशन या पब्लिक रिवेन्यू इन सब से रिलेटेड जो मैटर्स हैं इस पर एडवाइस करने का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं और लिस्ट टू में ईयर से हमें इसे मैच करना है. सबसे पहला है RBI नेशनलाइजेशन, इंपीरियल बैंक नेशनलाइजेशन, थर्ड है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स और फोर्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IDBI. तो सबसे पहला है नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, तो ये यहाँ पे 1949 में हुआ था. 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था. दूसरा है इंपीरियल बैंक नेशनलाइजेशन. इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था इन द ईयर 1955 और यहाँ से ये बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. थर्ड है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स को
नेशनलाइज किया गया था, और IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964 को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा UGC नेट कॉमर्स पेपर सेकंड में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।